A very good morning to all my dear students. Today I am going to start a new topic, microsporogenesis. ये जो टर्म मैंने लिखा हुआ है microsporogenesis, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसको सिंपल डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग पॉलिन ग्रेन्स भी बोलते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदरशिप बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन. मतलब जब भी किसी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग पॉलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, होता है किस डिवीजन के थ्रू? मियोसिस डिवीजन के थ्रू. तो उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने एंथर लेयर का डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें चार लेयर के बारे में हमने बात किया था. उसके पहले वाले लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उसमें बोला था कि एक पेराइटल सेल बनता है और अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू बनते हैं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो पेराइटल सेल्स हैं उनमें डिवीजन के कारण एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा. तो जो चार लेयर हमने पढ़ा था वो पेराइटल सेल्स का पढ़ा था. आज की क्लास में हम लोग जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसको लेकर के स्टडी करने जा रहे हैं. उसके अंदर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वही डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनाते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है आपके सामने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दो तरीके से हो सकता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दो टाइप है इसके डेवलपमेंट के. सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग नाम देते हैं साइमल्टेनियस टाइप. तो फर्स्ट टाइप है क्या? साइमल्टेनियस टाइप. और जो दूसरा टाइप है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव टाइप. सक्सेसिव टाइप. तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप. इसी को हमें डिफाइन करना है कि कैसे ये दोनों, कैसे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. साइमल्टेनियस टाइप से अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगा? साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ होना. साथ साथ होना का मतलब यह है कि अभी मियोसिस डिवीजन दो स्टेज में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. यहां पे क्या होगा, अभी मियोसिस फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तभी मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा. यहां पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है. तो यही मेन डिफरेंस है इसमें. अब आपको मैं समझा देता हूं कि कैसे ये होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है. क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसका प्लाइडी लेवल हमेशा क्या होगा? 2n. यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका प्लाइडी लेवल क्या है? 2n. अगर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो पहला मियोसिस डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट जैसे ही इसके अंदर होता है तो आपको ये चेंज होते हुए नजर आएंगे. इसके अंदर क्या चेंज होगा? जो एक न्यूक्लियस है पहले डिवीजन में, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो पहला न्यूक्लियस आपका कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये दो में डिवाइड हो गया. क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अभी यहां पे केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तभी हमारा मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है. और जैसे ही मियोसिस सेकेंड खत्म होगा उसके बाद जो दो सेल है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 सेल्स में. यानी कि एक यहां पे, एक यहां और एक यहां. तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा. यानी कि दो न्यूक्लियस थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए? 4 में. अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला है 4, दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 3. इसके फ्रंट पे 3 है और जस्ट एक इसके पीछे है. 3D डायग्राम आपको समझना है इसमें. तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, स्पिंडल है. तो ये 3 न्यूक्लियस आपको डिवाइड होते दिखाई दे रहे हैं. इसका अरेंजमेंट जो होता है कुछ स्पेसिफिक होता है. जब आगे ये और डेवलप होंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा. तो जैसे ही इनका डिवीजन कंप्लीट होता है ये कुछ इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आएंगे. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्रार्क. इस कंडीशन को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल टेट्रार्क.
और सबसे खास बात जो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कंडीशन है ये किसमें पाए जाते हैं डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं सभी में आपको कौन सा डेवलपमेंट दिखाई देगा साइमल्टेनियस टाइप जिसके अंदर टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल का कंडीशन बनता है। तीन फ्रंट पे होंगे माइक्रोस्पोर और एक इसके पीछे होगा। अच्छा अभी केवल माइक्रोस्पोर बना है पॉलिन ग्लैंड्स नहीं बने हैं। अभी सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर हैं वो आपस में अटैच हैं और जो अटैचमेंट है इसका जो ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक केमिकल से होता है जिसको हम बोलते हैं कैलोज। एंडोथीसिया में मैंने आपको बोला था कि कैलोज का फॉर्मेशन होता है कैलोज बैंड बनते हैं और यही इसको क्या करता है जोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये पहला टाइप था साइमल्टेनियस। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है कि पहला डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होगा उसके बाद से दूसरा डिवीजन स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए कैसे ये आपके पास एक सेल है ये बीच का न्यूक्लियस है और ये क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसका प्रायोरिटी लेवल क्या है 2n। जैसे ही यहां पे मियोसिस फर्स्ट होगा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा मतलब कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस दोनों ही स्टेप कंप्लीट जब हो जाएंगे तो यहां पे आपको सेल डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ है एक न्यूक्लियस दो में और बीच से वो सेल भी डिवाइड हो गया एक सेल दो में सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे आपका पहला डिवीजन कंप्लीट हुआ। फिर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड होने के बाद जो आपको ये दो सेल दिखाई दे रहे हैं अब कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे फोर सेल्स में। तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से यहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप। तो इसको नाम दिया जाता है आइसोबाइलेटरल टाइप। क्वेश्चन ये आता है कि आइसोबाइलेटरल फिर किसमें मिलते हैं तो याद रखिएगा जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर कौन सा टाइप मिलता है सक्सेसिव टाइप और उससे जो टेट्राड बनता है उसका नाम है आइसोबाइलेटरल। इन दोनों के अलावा भी तीन और टाइप के टेट्राड का फॉर्मेशन होता है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि जो तीन और टेट्राड बनते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा पहला जो बनता है उसका नाम है डिकसेट। तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा बनता है जिसका नाम है डिकसेट। अब इसमें भी क्या है तीन फ्रंट पे हैं एक पीछे है लेकिन इसका अरेंजमेंट क्या है इससे अलग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डिकसेट टेट्राड। ऐसे ही एक और बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड बिल्कुल लीनियर होंगे मतलब अरेंजमेंट इनका एक लाइन से आपको दिखाई देगा 3 4। तो इसको हम नाम देते हैं लीनियर टेट्राड। और एक लास्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टी सेट। तो इस तरह के टेट्राड को हम बोलते हैं टी सेट टेट्राड। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टी सेट टेट्राड। तो टोटल कितने टाइप के हो गए 5 टाइप्स के। पहला टेट्राहेड्रल दूसरा आइसोबाइलेट्रल तीसरा डिकसेट चौथा लीनियर एंड पांचवा टी सेट। ये दोनों तो आपको समझ में आ गया ये बिल्कुल स्पेसिफिक है मतलब ये किसी किसी स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर ही आपको ये दिखाई देंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसके अंदर ये पांचों टाइप ऐसे को आप याद रखना कि एक प्लांट के अंदर केवल एक ही टाइप का टेट्राड बनता है लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है एक एक्सेप्शनल प्लांट है जिनके अंदर पांचों टाइप के टेट्राड आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल लिख लीजिए एक्सेप्शन लिख लीजिए एक्सेप्शन में नाम लिखिएगा नाम है उसका एरिस्टोलोकिया एलिगेंस
एरिस्टोलोकिया एलियंस, एरिस्टोलोकिया एलियंस जो प्लांट होता है इट सोज ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ टेट्राड, यानी कि पांचों टाइप के टेट्राड का ये पोजीशन शो करता है, ऑल फाइव टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। तो पांचों टाइप के टेट्राड का फॉर्मेशन केवल एक प्लांट के अंदर होता है, एरिस्टोलोकिया एलियंस। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे टेट्राड बना। अभी यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि अभी केवल माइक्रोस्पोर बना है, अभी हमारा पॉलन ग्रेन नहीं बना है, पॉलन ग्रेन अब इसके बाद बनेगा। अब ये सारे के सारे टेट्राड आपस में क्या है, ज्वाइन है, जब ये अलग होंगे तब एक एक पॉलन ग्रेन बनेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो टोटल फोर पॉलन ग्रेन बनते हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल प्लांट है जिनके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, या पॉलिनियम आपने सुना होगा, है ना, एस्केल्पिडियेसी या आर्चिडेसी फैमिली के अंदर। तो कुछ स्पेशल टाइप के पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम अगले टर्म पे आपको ये अगला जो टॉपिक हम बताएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स का होता है, मतलब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए आगे चलते हैं, तो एक्सेप्शनल केस में हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए ना एक्सेप्शनल केसेस, और एक्सेप्शनल केसेस में लिखिएगा सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला एक्सेप्शनल केस हमारा आता है एक्सेप्शनल केस में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एस्केल्पिडियेसी एंड ऑर्चिडेसी फैमिली। दो फैमिली का मैंने नाम लिखा हुआ है, एस्केल्पिडियेसी फैमिली एंड ऑर्चिडेसी फैमिली। इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनता है, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है और उसका नाम होता है पॉलिनियम, उसका नाम होता है पॉलिनियम, है ना। तो कैसे ये बनते हैं वो मैं आपको समझा दूं। आपने देखा होगा, अगर मदार का प्लांट आपने देखा होगा, मदार के प्लांट में आपको पॉलिनियम बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा, सबसे ऊपर के तरफ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जिनको बोला जाता है स्टिग्मा। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा से कुछ ऐसे लाइन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलम, और कॉर्पस्क्यूलम से ही आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनियम। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं, इसके अंदर जब आप देखोगे तो बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं। एक सेल को हम लोग जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनियम। तो सिंगुलर फॉर्म क्या है, पॉलिनियम, और प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनिया। तो जब बहुत सारे आपस में ज्वाइंट होते हैं तो पॉलिनिया कहलाते हैं, और जब एक की हम लोग बात करते हैं तो पॉलिनियम कहलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल केस से ही आपके नीट वगैरह एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखिएगा कि नोट्स के साथ साथ आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं नाम लिख देता हूं, इसको हम लोगों ने क्या बोला, स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस्क्यूलम। अच्छा, कॉर्पस्क्यूलम और स्टिग्मा इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है एपरेटस, है ना। तो ये एक तरीके के क्या है, एपरेटस है। अब इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, पॉलिनियम, इसको याद रखिएगा पॉलिनियम। तो सिंगुलर फॉर्म में पॉलिनियम है और प्लूरल में पॉलिनिया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इतना स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा कि एसकल्पीडीएसी फैमिली में आपको ये स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर पॉलीनियम का बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीनियम। इसके अलावा एक दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं साइप्रस फैमिली। साइप्रस एक प्लांट है जो किससे बिलोंग करता है, साइप्रेसी। साइप्रेसी फैमिली का एक प्लांट है साइप्रस। साइप्रस के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, इसमें जब माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उसमें भी 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट की बात आती है पॉलन ग्लैंड्स की तो उन 4 माइक्रोस्पोर में से केवल एक ही का डेवलपमेंट हो पाता है और एक ही पॉलन ग्लैंड बन पाता है। इसके पहले हमने पढ़ा कि 4 से 4 बनेंगे, लेकिन अब जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं इसके अंदर क्या कंडीशन होता है, साइप्रस के अंदर 4 माइक्रोस्पोर तो बनेंगे लेकिन केवल एक ही पॉलन ग्लैंड बनेगा। देखिए कैसे होगा, नॉर्मल कंडीशन अगर आप बात करो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो हमने नॉर्मल कंडीशन लिखा तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो 2n है, क्लियर। इसके अंदर मियोसिस होगा तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर, ठीक। और इन 4 माइक्रोस्पोर में जब डेवलपमेंट होगा, मैच्योर होंगे ये, तो क्या बनाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स। ये हमारा कौन सा केस है, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है। अगर हम लोग साइप्रस की बात करें, साइप्रस के केस में क्या है, साइप्रस के केस में ये होता है कि एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर डिवीजन जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो बनते कितने हैं माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर कितने बने, 4। लेकिन याद रखिएगा 3 डिजनरेट, कितने माइक्रोस्पोर डिजनरेट हो गए, 3 जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, केवल कितना बच जाएगा, एक ही बचेगा क्योंकि 3 तो डिजनरेट हो गए, तो एक माइक्रोस्पोर जो बचा वही कितना पॉलन ग्रेन बना के देगा, 1 पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर मान लीजिए हमें 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो कितना डिवीजन चाहिए, 25, क्योंकि एक से 4 बन रहा है तो 25 × 4 = 100। लेकिन इन द केस ऑफ साइप्रस कितना, अगर 100 बनाना है तो 100, क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी होगी। एक तीसरा भी मैं कंडीशन आपको बता देता हूं, तीसरा कंडीशन जो होता है यहां पर लिख देते हैं, तीसरा एक कंडीशन होता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब जब सारे के सारे पॉलन ग्रेन एक साथ इकट्ठे फॉर्म में दिखें तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में होता है, नाम है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो प्लांट होता है उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कंपाउंड पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे। तो जो कंपाउंड पॉलन ग्रेन कंडीशन होता है, मतलब जिसमें पॉलन ग्रेन अलग ना हो, वैसा कंडीशन आपको ड्रोसेरा के अंदर दिखाई देता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है। पॉलीनियम अच्छे से याद रखिएगा, पॉलीनियम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, है ना। इसको एक थोड़ा सा पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, स्टिग्मा कार्पस्कुलम, इन दोनों को मिला करके मैंने हेटरेटर लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं, तो इसको पूरा लिख लीजिएगा, ट्रांसलेटर एपरेटस। बाकी इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, साइप्रस के बारे में याद रखिएगा कि क्या होता है। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको केवल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया, इसके बाद का जब डेवलपमेंट होता है तो वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। मतलब अभी केवल माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने तक के स्टेज को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हम लोग बोलेंगे, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो इसके बाद हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।